हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हमें ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है विंटर्स के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लास्ट ईयर बनाया हुआ है ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र। और इसके लिए हमें चाहिएगा एक बकेट चाहिएगी जो 20-25 लीटर की हो। ये मेरे पास है, ये 20 लीटर की है, तो हम 20 लीटर के लिए बना रहे हैं। तो इसमें हम फ्रेश गोबर लेंगे गाय का, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। अगर नहीं है तो आप काउ डंग भी ले सकते हैं। तो इसमें हम 20 लीटर की बकेट के लिए 2 kg लेंगे गाय का गोबर। और ये है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, सरसों की खली जिसको बोलते हैं, ये 1 kg लेंगे हम। फिर हम लेंगे नीम खली, ये भी 1 kg लिया हुआ है मैंने, और ये भी सारा डाल देंगे। और ये देंगे 2 स्पून फंजीसाइड पाउडर, सांप का फंजीसाइड या आपके पास जो अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। और अब इसमें हम पानी डाल देंगे। और प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, विंटर्स में इतने फ्लावर्स होते हैं, तो आप इसको हर वीक यूज़ कीजिए। इसकी क्वांटिटी हमें रखनी होगी 1 लीटर, जैसे आपने 1 लीटर ये लिया है, और आपको 10 लीटर पानी में इसको मिक्स करना होगा। तो आप हर हफ्ते में या 10 दिन में आप इसको अपने विंटर्स फ्लावर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, और बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है ये। तो आप भी बनाइए इसको। और इसको आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसको दिन जब आपने बनाना है, जैसे आज बनाया है इसको, तो आप इसको रोज़ हिलाइए। एक स्टिक रख लीजिए जैसे मैंने रखी हुई है, और इसको अच्छे से स्टेयर कर दीजिए। आप हिलाते रहिए इसको डेली करना, अगर नहीं करेंगे तो इसमें कीड़े लग जाएंगे। और इसको आपको ढक के रखना है, और उस जगह रखना है जहाँ पर 3-4 घंटे की धूप आती है, और थोड़ी देर आप खुला भी छोड़ दें धूप में इसको, और रोज़ हिलाएँ इसको। और इसको रोज करना, अगर कीड़े पड़ जाए तो उसको आप ऊपर से हटा दीजिएगा, बट अगर आप रोज इसको हिलाएंगे तो इसमें नहीं कीड़े पड़ेंगे। और स्मेल इसमें बहुत गंदी आती है, तो वो जब तक ये पूरा अच्छी तरह से कंपोस्ट नहीं तैयार हो जाती, जब तक उसमें आएगी स्मेल, वो आपको फिर देखने पड़ेगा। आती बहुत गंदी स्मेल है, पर ये फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा है प्लांट्स के लिए। तो आप इसको जुड़ बनाइए, आप इसको अपने बैकयार्ड में रख दीजिए ताकि इसकी स्मेल आपके घर में ना आए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।